केवल इस्लाम धर्म के कारण हिंदू धर्म ने बहुत यातनाएं अत्याचार सहे हैं, इसलिए हम इस्लाम के बारे में लोगों को बताते हैं। अब भारत को सेना की जरूरत नहीं रह गई, आर्मी का वो काम नहीं कर रही है जो अब आपकी सेना काम करेगी। आप यस हम करते हैं खुद को दिखाने के लिए, मशहूर होने के लिए, लोग हमारी बातें सुने, हम इंटेलेक्चुअल तरीके से भी बात करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आप करते होंगे उसमें झूठ तो नहीं होता होगा ना? सर झूठ इन द सेंस किसी किसी बात को फैलाने के लिए झूठ नहीं, हाँ बढ़ा के दिखाया जाता है। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, बढ़ा के दिखाया जाता है ताकि हमारी बातें सुनी जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज के वीडियो में हम एक डिबेट देखने वाले हैं और इस डिबेट में हमें जानकारी मिलेंगी हिंदू सेना की। हिंदू सेना के स्पोक पर्सन सुरजीत यादव जी यहाँ पर मुफ्ती साहब से डिबेट करने के लिए स्ट्रीम में आए थे और उन्होंने डिबेट की थी। जी हाँ, ये वीडियो थोड़ा सा पुराना है, तब का है जब एक लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था और इस लेटर में ये लिखा गया था हिंदू सेना की तरफ से कि कुरान इंडिया के लिए ख़तरा है। तो इस मानागर भी इस वीडियो की, इस डिबेट की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेशनल सिक्योरिटी हर मुल्क की टॉप प्रायोरिटी होती है। जिस मुल्क में भी नेशनल सिक्योरिटी पर तवज्जो न हो वो मुल्क कमजोर हो जाता है, वो तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए ये जरूरी है कि भारत की तरक्की और खुशहाली का ख्वाब अपने दिल में रखने वाले भारतीय को, हर भारतीय को नेशनल सिक्योरिटी के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन बाज मरतबा नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर ऐसी बातों को भी मौजूद बहस बनाया जाता है जिनका उस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं होता। चंद दिनों से सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें हिंदू सेना नामी एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट विष्णु गुप्ता ने होम मिनिस्ट्री के चीफ सेक्रेटरी को ये लिखा है कि कुरान भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है और इसलिए उस पर पाबंदी लगानी चाहिए। आज का जो सर्जिकल स्ट्राइक है वो इसी मौजू पर है और हमारे साथ हैं हिंदू सेना के नेशनल तर्जुमान और स्पोक पर्सन सुरजीत यादव जी। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और आप इस शो में आज शिरकत कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज का जो ये शो होगा ये एक तरह का डायलॉग होगा जिसमें हम आपकी बात समझेंगे और अपने व्यूवर्स को, अपने नाज़रीन तक उस बात को पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो सर, सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो ये है कि आपकी जो पार्टी है हिंदू सेना, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है जैसा कि उसके बारे में जो इंटरनेट पर जो इंफॉर्मेशन दस्तियाब है, ये बताइए कि उसकी आइडियोलॉजी क्या है? सब नमस्कार। देखिए हमारे संगठन एक संगठन है, इस संगठन की आइडियोलॉजी ये है कि जिस प्रकार से इस्लाम धर्म संगठित है, हिंदू धर्म संगठित नहीं है। इस्लाम धर्म से, केवल इस्लाम धर्म के कारण हिंदू धर्म ने बहुत यातनाएं अत्याचार सहे हैं, इसलिए हम इस्लाम के बारे में लोगों को बताते हैं और उनको संगठित करते हैं और चेतावनी दी जाती है कि जिस प्रकार से कश्मीर में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में हिंदुओं के साथ हुआ, आने वाले समय में भी यही हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ होने वाला है। हिंदुओं संगठित हो जाओ, जानो। मैम तो क्या कहते हैं, कुरान का ज्ञान ही बचाव है। ये हमारा एक चैप्टर होता है कि कुरान का ज्ञान आवश्यक है, प्रत्येक हिंदू के लिए आवश्यक है, इसके लिए हम कोशिश करते हैं। नहीं, मैंने आपसे जो सवाल किया वो ये कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं कि कल्चरल पार्टी हैं, आप एनजीओ हैं, आप क्या हैं? हम एक ट्रस्ट के नाम से रजिस्टर्ड है, सामाजिक संगठन है, आप मोस्टली यू कह लीजिए थोड़ा सा धार्मिक संगठन। ओके, तो ये जो आपने नाम रखा है हिंदू सेना जी, क्या अब भारत को सेना की जरूरत नहीं रह गई, आर्मी का वो काम नहीं कर रही है जो अब आपकी सेना काम करेगी? साहब पहले तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा सेना का अर्थ क्या होता है। जब 10-20 आदमी किसी काम को करने का बीड़ा उठाते हैं, संगठित होकर काम करते हैं, उसको सेना कहा जाता है। चाहे वह सफाई के लिए हो, चाहे वह शिक्षा के लिए हो, चाहे वह किसी कार्य के लिए हो, उसको सेना कहा जाता है। सेना का अर्थ यह नहीं है, आर्मी का अर्थ यह नहीं है, आर्मी ऑफ एंट्स, चीटियों का, चीटियां का सेना होती है, नहीं। वो संगठित होकर काम करते हैं, हम संगठित होकर काम करते हैं, हम सफाई का भी काम करते हैं, हम सब्जी बेचने का, सस्ते दर पे सब्जी बेचने का भी काम करते हैं। हमको ये नहीं है कि तुम मुसलमान हमारी दुकान पे आके क्यों ले गया, नहीं, वो हमारा समाज से संबंधित है। आप देखिए मेरे यहाँ पे कम से कम 30% मुसलमान है, बांग्लादेशी मुसलमान भी, जो हमारी सब्जी की दुकानों से सब्जी ले जाते हैं और खाने की बनी बनाई सब्जी हम मंडी रेट पे देते हैं और प्रत्येक दुकान में हमको 10-15 हजार घाटा भी होता है।
अच्छा ये बताइए कि आपका जो संगठन है, तंजीम है, ऐसा लगता है कि अपना वजूद मनवाने के लिए, अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए वो सुर्खियों में रहना चाहते हैं, और ये वजह है कि इंडिया में कोई भी अगर अपना प्रेजेंस मनवाना चाहे और सुर्खियों में रहना चाहे तो उसके पास दो मसले होते हैं, एक तो मसला पाकिस्तान का है और दूसरा मसला मुसलमान का है। तो कहीं ये ख्वाहिश आपको इस लेटर पर लिखने पर, इस ख्वाहिश ने तो मजबूर नहीं किया? नहीं साहब, देखिए ऐसा कोई नहीं है। मैंने इस्लाम पढ़ा है कई साल, ठीक है, कुरान पढ़ी है, तफसीर अल कुरान पढ़ी है, सीरत रसूलल्लाह पढ़ी है, हदीसें पढ़ी है, फिक पढ़ा है, सब कुछ मैंने पढ़ा है। लेकिन आप यूं कहेंगे अरबी में, नहीं साहब मैंने अरबी में नहीं पढ़ा, मैंने इंग्लिश में पढ़ा है। इंग्लिश में भी वो जो सऊदी अरब के अल अजहर यूनिवर्सिटी से दारुल इस्लाम की जो बुक्स होती हैं, ऑथेंटिक बुक्स हैं, उनसे पढ़ा है। उनसे पढ़ने के बाद मैंने देखिए, मैं साहब आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, मेरे जो खास दोस्त थे वो मुसलमान थे। हाजी शहजाद मेरठ के बहुत एमएलए भाई एमएलए रहे हैं और वो बहुत बड़े गैंगस्टर रहे हैं, वो मेरे किसी टाइम में बहुत खास दोस्त होते थे। मैं उनके घरों पर रुकता था, दो दो तीन तीन महीने मेरा मतलब परिवार में ही रहता था, वो दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ से शुरू हुई, जब हमको ये आतंकवाद, तो मैंने देखा ये मुसलमान आतंकवाद करता है, कहानी क्या है? तो मेरे को एक दो लाइन, मैं उस मौजू पर बाद में आऊंगा, मैं अभी असल में संगठन के ऊपर बात करना चाहता हूँ, और उसके बाद फिर मैं उस ताल्लुक से सवाल करूंगा जो इस्लाम के ताल्लुक से, मसलन आपने लेटर लिखा है कुरान के ताल्लुक से, ताकि जो बात है वो बहुत ऑर्गेनाइज अंदाज में रहो और हमारे जो नाजरीन है उनको हर चीज समझ में आ सके। देखिए 29 अक्टूबर 2016 में आपके संगठन के कुछ लोगों ने पीआईए ऑफिस में तोड़फोड़ की थी और उसमें एक आदमी पकड़ा भी गया था, बाकी तीन आदमी गिरफ्तार हो गए थे। तो क्या, हालांकि पीआईए पाकिस्तान की ओन्ड एयरलाइन है, लेकिन बहरहाल हमारे मुल्क का पाकिस्तान से एक संबंध है, एक रिश्ता है, इस मानगर के उसको एक लेजिटिमेट स्टेट कहा जाता है, तो उसकी प्रॉपर्टी को की हिफाजत करना ये हमारे मुल्क का कर्तव्य है, हमारे मुल्क का काम है। तो क्या आपने इस जगह वेंडलाइजेशन करके खुद स्टेट के खिलाफ एक ऑफेंस नहीं किया? सर हमने ऑफेंस किया, हमको सजा मिलेगी, हमने ऑफेंस किया, लेकिन हमारे दिलों में आक्रोश था कि पठानकोट हमला हुआ उसके बाद हमने ये किया, ठीक है, ये पाकिस्तान से संबंधित है। लेकिन जो एक आदमी प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट के वकील है, हमने उनकी भी कुटाई करी, हमने ओवैसी के घर पे हमला करा, हमने मुलायम सिंह यादव के ऑफिस पे भी तोड़फोड़ करी। तो ये कहने की बात, एक समझने की कोशिश कीजिए, कोई भी आदमी पैगाम देता है आप यस हम करते हैं, खुद को दिखाने के लिए, मशहूर होने के लिए, लोग हमारी बातें सुने, हम इंटेलेक्चुअल तरीके से भी बात करते हैं, हम ये नहीं कहते कि हाँ सब चीज जो हिंदूवादी लोग कहता है वो सब सच है, हम उस बातों पे नहीं चलते। हम कहते हैं जो सच है वो सच है, जो निंगला नहीं जा रहा वो निंगला नहीं जा रहा। अभी ये जो मूर्तियां हमारे यहाँ पे वो दूध पी रही हैं, हम उस बात से सहमत नहीं है। ये फालतू की बातें कर करके लोगों को गुमराह जिस भी धर्म में किया जा रहा है, चाहे वो हिंदू धर्म है चाहे इस्लाम है, हम उसको गलत मानते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आप करते होंगे उसमें झूठ तो नहीं होता होगा ना? सर झूठ इन द सेंस किसी किसी बात को फैलाने के लिए झूठ नहीं, हाँ बढ़ा के दिखाया जाता है, मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, बढ़ा के दिखाया जाता है ताकि हमारी बातें सुनी जाए। तो विष्णु गुप्ता आपके जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं उनके ऊपर आईपीसी 182 के तहत मुकदमा कायम होने वाला था, चूंकि उन्होंने केरला हाउस के एक रेस्टोरेंट के बारे में खबर दी थी कि जी वहां बीफ खाया जाता है और वो उनकी झूठी खबर निकली। तो जानते हैं झूठी खबर निकली, देखिए क्या है सत्यता, ये भी नहीं है कि हम मीट देख के ये बता सकते हैं गौ का है या नहीं है। वो देखिए हमको खबर मिली थी, हमने उसको गंभीरता से लेके उठाया, लेकिन वो गलत निकली तो हम मानते हैं हमारी खबर गलत थी, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। दोस्तों जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को भी आप जरूर से लाइक कीजिए, उसे फॉलो कीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।